गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और चाय पी रही हूँ, देखो चाय पी रही हूँ। और अभी जो रूम वूम ठीक किया है, बिस्तर वगैरह उठाया है, पूरा फैला हुआ था। और अभी मुझे पता चला है, लास्ट में हम कह रहे थे ना कि नहीं बाघ नहीं था, बाघ नहीं था, सच में बाघ था। बताते हूँ अभी आपको। आप बताओ चाचा, आपको दिखा था? भैया मैंने भी जब नीचे आ रहा था, मैंने बाघ देखा जरूर। देखा मैंने, आवाज सुनी बात तो चार इन्होंने में धाके दिए मुंह पर। हिंदी बताओ ना जा, हिंदी बताओ। हिंदी में? हाँ हिंदी। क्या बोले? बाघ देखा हमारे, अपने आंखों से देखा। अपने आंखों से मैंने वो देखा, वो थोड़ा जाते बचने। इतना बड़ा है यार, इतना बड़ा था। देखो नाखून, ये मारा नाखून नहीं है, नाखून आपको देना मारा। तो ऐसे गिर गए ना डर के मारे। नहीं यार, वो मारा यार, धक्का लागने बोली। मैं कोई हाकिर है क्यों, ये क्या है तुम बताए माने पसंद में यार, पसंद में यार। आपको धक्का दिया होगा, धक्का दिया यार मेरे को। मैं ये जो गिरा का ऐसा गिरा, दाँत कमी में लग नहीं रहा, नाखून बद मारो पिछाड़ गए। मैं बद लामा वो नाखून मार, हाथ ऐसे पकड़ना हाथ हाथ फोन आने बिहार में मैं हाथा पकड़ा। तब मैं यतन धक्का मगर कायल दी थी, मैं बदल में ऐसी पड़ो थे। यदि ढूंढ में लागी है तो और नाखून नहीं है। मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे बाघ के, हमने देखा बाघ है क्या, हमने देखा बाघ मैल देखो तुरबा जान। और जो सफेद जैसी कुकुर वो जैसी है, बहुत कुत्ता बढ़िया। फिर इसका मतलब हम इसी पे ना फॉरन जाओ, तब गो ये तो बड़ी पर ओत्तो को पौधो को नहीं छी। लताले है यो तब हम हल कर दी बाघ सु बाघ सु। ये सामने खेत गो को को जो नाते लो का उनके बाद दस बाघ सु ले जाओ। ये क्या क्या पे ना मुर के हम पता से को उन दे जे आई ना हम भादर स्पष्ट में नहीं हम उन दे हम आगे में हमने तो हल्ला सुना था नंबी। हमने अल्लाह सुना, हमने अल्लाह सुना। वो आदमी कहता है यूँ लोग तो छीदा गढ़ में तुम ले पर सुन सा। नहीं मम्मी नहीं सुनी यूँ तुम्हें वो तो मुड़ लास्ट में आ गए। हम लास्ट में थे, हम लोग सबसे लास्ट में, क्योंकि हम लोग यहाँ पहुँचे, वो लोग नीचे पहुँच गए थे। हाँ भैया क्यों दादा क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो? पूजा करने के लिए। पूजा के लिए कहाँ, ऊपर है या नीचे? वहाँ पे अंदर, पहले अंदर। अच्छा थान में, उसके बाद यहाँ फूल अच्छे आ रखे हैं ना। ये बन रही है आलू प्याज की सब्जी, नहीं प्याज प्याज बारह बजे काले बना दिए होटल, ब्राउन लिपस्टिक हो गई, ब्राउन लिपस्टिक ऐसे लग रहा था। तम्बाकू खा खा के मैंने अपना मुंह खराब कर दिया। दांत साफ हो जाएंगे, देखो लाल देख सफेद दादे तो दांत ही तो करते। ये देखो कितना अभी खूबसूरत सा हुआ है। ये है केले के पेड़ नीचे, मिर्चियाँ, मिर्ची तो बहुत हो रही है यहाँ पे भाई। और ये है गढ़ेरी, गढ़ेरी मतलब अरबी। ये तो घास हो रही है जो ये नीचे आप देख रहे हैं। ये हमारी जो इधर वाली चाची है, पार वाली चाची, इनके ससुर जी ने ये यहाँ पे फैक्ट्री बन रही थी कि यहाँ पे जैम और स्क्वैश वगैरह बनाएंगे, फैक्ट्री डाल रही थी ये, बट ये काम पूरा हो नहीं पाया और अब वो है नहीं दुनिया में। और ये देखो सारे घर ही घर है। मौसम में बादल है, अभी बारिश तो नहीं लग रही पर ठीक है। जी बैठे हैं सब लोग यहाँ, ये सुबह बैठ के पहले चाय वाय सब ऐसे बाहर बैठ के पीते अपने अपने। यहाँ की धूप भी बड़ी तेज धूप होती है,
कितनी शांत सी लाइफ है, एक चिड़िया की आवाज़ आ रही है कुछ अलग सी, चू 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 करके। यहाँ मिर्ची कितनी सारी हो रही है, इतनी मिर्चियाँ हो रही हैं। आपको पहाड़ी चिड़िया दिखाती हूँ, नहीं वो कह रहे की बदल मैल को इसी को नहीं नहीं कुत्ता तो नाखून पाए, वो तो आराम से चल रहा था, उसके नाखून जंप करा एकदम से। अच्छा आप आपके पास बाघ गिरा, सोचो गाइस बाघ था, ये कंफर्म हो गया क्योंकि सारे लोग कई सारे लोगों ने देखा अपनी आंखों से, और एक ने तो फील भी किया, मतलब प्रॉपर उनके जैसे वैसे निकला, उनके हाथ में निशान भी आए, तो था बाघ, तो ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन ऐसे रात में डर लग गया अब तो अच्छा। और रात को हुआ क्या, जब हम लोग पहुंचे घर पे तो होना ये था कि जहाँ पे पूजा हो रही थी उन लोगों ने यहाँ सबके घरों में चार चार की टोली बना रखी थी, तो वो लोगों ने सबके घरों में जाना था लेने के लिए खिचड़ी, जैसे मांस की और चावल की खिचड़ी होती है, तो वो सबके घरों में आते हैं लेने के लिए। तो ऐसे में क्या था कि बोला गया था कि सारी लेडीज़ जो है वो घर के अंदर रहेंगी और जो सारे जेंट्स हैं वो ही बाहर आ सकते हैं, लेडीज़ अंदर बाहर नहीं आएंगी जब वो लेने आएंगे। तो हम पहुँच ही रहे थे, हम जस्ट यहाँ पे पहुँचे ही थे, वहाँ नीचे की तरफ को मैंने शायद दिखाऊंगी, देखा होगा अपने क्लिप में, वो नीचे पहुँच गए और हमें ये हो गया, हम जस्ट हमने चप्पल वप्पल भी नहीं खोली थी, हम वॉशरूम जाना था, पर वो नीचे पहुंच गया, हम लोग फटाफट अंदर की तरफ भागे। इवन पीहू को वॉशरूम जाना था, वो रो रही है, पर हम डर गए क्योंकि एक तो बाघ का डर लग गया, ऊपर से वो लोग पहुंच गए थे तो उन्होंने कहा था कि बाहर मत निकलना, तो हमें लगा कि पता नहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, हम फटाफट अंदर भाग कर डर के हमारे बैठे रहे। तो वो रात बड़ी अलग सी थी उस टाइम पर, फिर जब वो चले गए फिर सब नॉर्मल हो गया था। तो मैंने तो फिर घर आके एक रोटी फिर खा ली थी, क्योंकि मैंने सात जब कल नीचे खाया था तो इतनी जल्दी भूख लगती नहीं है मुझे, लेकिन खाया। पापा नीचे ओके, मैं वीडियो बना रही हूँ आपकी, जाओ। अरे हमने ऊपर जाना भी, नहा रहे हम, नहा दोगे तैयार होते हैं, जाओ जाओ जाओ। यहाँ पे है फूल बहुत सारे हो रहे हैं। तो जी था सच में बाघ, सोच के डर लग रहा है, ऊपर से वो भी था। ए, मैं इसलिए पापा नीचे से सड़क से जा रहे थे तो मैंने कहा आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाऊं। पूजा हो रही, चाचा पूजा कर रहे हैं, वैसे पापा कर चुके हैं ऑलरेडी, नहा धो के पूजा कर चुके हैं, पर चाचा अभी कर रहे हैं। शंख की आवाज़ आ रही होगी आपको, काफ़ी अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस था, डर और सब कुछ था। ये डर वर जो होता है ना रात में पहाड़ों में, इसलिए कहते हैं ना सच में होता है पहाड़ों में डर थोड़ा बहुत, तो यहाँ के लोग नहीं रहते, यहाँ की लेडीज बहुत ब्रेव होती हैं। हमारे तो बता रहे थे पर गांव में एक लेडी थी, उसके बछड़े को ले गए थे, गाय के बछड़े को, वो उसके मुंह से छुड़वा के ले आई थी बाघ के मुंह से। हम जैसे होंगे तो लथाड़ से पड़ जाएंगे, चल काट ले खा ले हमें, क्यों टाइम वेस्ट करना, मरना तो है, पर नहीं ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे ब्रेव। अब नहा धो के तैयार होते हैं फिर जाएंगे ऊपर पूजा करने के लिए। अभी भी कह रहे थे वहाँ पे जागेरी लगेगी, तो देख आते हुए, कल हम ज़्यादा देख नहीं पाए, जैसे कि जैसे शुरू हुआ फिर एकदम से वो एंड भी हो गया, इसलिए। तो अभी चाची कह रही हैं कि अभी फिर होगा मतलब थोड़ा बहुत, तो अभी देख आते हैं, क्योंकि आए हैं तो फिर गाँव में जाके देख आते हैं, थोड़ा हाइट में है लेकिन फिर भी अब थोड़ी हिम्मत आ गई, कल हम एक बार हुआ है ना तो थोड़ा हिम्मत आ गई है कि हाँ हम जा सकते हैं। तो नहा धो के तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, और ड्यूरिंग द डे जो चलता रहेगा वो भी दिखाते रहूँगी, अपडेट करती रहूँगी।
और ये जो व्लॉग्स हैं ये हो सकता है कि जब मैं दिल्ली जाऊंगी तभी करूंगी अपलोड, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन का चार्ज का लाइट वाइट का चक्कर भी है, और प्लस क्या है कि नेटवर्क इशू भी है, अगर वो सारा नेट इसी में यूज़ हो जाएगा तो ये जो सारे व्लॉग्स हैं ये मैं दिल्ली जा कर अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, तब आप इसके मज़े लेना, तब तक हम शायद दिल्ली आ चुके होंगे। तो अब तैयार होते हैं, सब लोग बोल रहे तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ।